देखिए फाइंड यानी इनका मान निकालो, फाइंड यानी मान निकालो, है ना। तो देखो 12 ये भाग का निशान है ना, और भाग का उल्टा क्या होता बताओ, भाग का उल्टा क्या होता है, मतलब डिवीजन, ये डिवीजन है, डिवीजन का उल्टा मल्टीप्लिकेशन, क्या होता है मल्टी, है ना। तो भाग का उल्टा गुणा, भाग का उल्टा गुणा, तो नीचे वाली ऊपर चल जाती है और ऊपर वाली संख्या नीचे आ जाती है, मतलब जो हर है वो अंश हो गया और अंश हर बन गया, उलट हो गया, उलट गुणित हो गया। अब तीन तीन का टेबल बोलो कि 12 आ जाए, 3 4 12, है ना। तो 4 × 4 = 16 उत्तर आ गया ये, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, सेकंड में कहता है 14 divide 5 upon 6, तो 14 डिवाइड का मल्टी हो जाता, उल्टा करेंगे तो मल्टी, 6 ऊपर चला जाएगा, 6 ऊपर चला गया और 5 नीचे आ गया, तो ये कितना हो गया, 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84 अपॉन 5, ये उत्तर आ गया। 14 × 5 = 70, 14 × 6 = 84। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 16 क्या है, अगला क्वेश्चन है 8 divide 7 upon 3, 8 भाग की जगह गुणा, 3 ऊपर 7 नीचे, 8 × 3 = 24, 24/7 उत्तर आ गया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन देता है 4 / 8/3, तो 4 की जगह 4 भाग, डिवाइड है, तो डिवाइड का उल्टा क्या होता है गुणा, 3/8, 4 × 8, तो 3/2 उत्तर आ गया। अगला क्वेश्चन पांचवा, पांचवे नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 3 / 2 = 1/3, तो 3 × 3 = 6, 6 × 1 = 7/3, तो 3 × 3 = 7, 3 × 3 = 9, 9/7, 9/7, और फिर है आपका छठा सवाल, 5 / 3 = 4/7, तो 5 / 7 = 21, 21 × 4 = 25, सॉरी 25/7, तो 5 / 7/25, 5 × 25, तो ये हो गया 7/5, ये उतार लीजिए आप।